यूपी की महिला ब्रिगेड में है दम। युवा महिला नेता यूपी में गाड़ रही हैं झंडे। ये महिला नेता हैं यूपी का भविष्य। वैसे तो उत्तर प्रदेश में महिला नेताओं का इतिहास पुराना है। देश की पहली महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश से बनी, नाम था सरोजनी नायडू। ये 1947 की बात। उसके बाद अगर देश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो भी यूपी से ही बनी, नाम था सुचेता कृपलानी, जो 1963 में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई। अब बात वर्तमान की करते हैं तो इस वक्त सूबे में कई महिला नेता ऐसी हैं जिनके आगे अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ पानी भरते हैं। फिर चाहे वो मायावती हो, मेनका गांधी हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, या उमा भारती हो, या फिर साध्वी निरंजन ज्योति। लेकिन ये सभी नेता अब अपने राजनीतिक जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां से बहुत ज़्यादा सियासत करने का वक्त नहीं बचा है। तो उत्तर प्रदेश का सियासी मुस्तबिल क्या है, तो चलिए हम आपको उन महिला नेताओं से मिलवाते हैं जो भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम कर सकती। इस लिस्ट में पहला नाम है डिंपल यादव का। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, वो यूपी के यादव खानदान की बड़ी बहू हैं और अखिलेश यादव की पत्नी। लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं, अपने पति के साथ लगातार नजर आती हैं। परिवार में कलह हुई तो डिंपल यादव फ्रंट फुट पर नजर आई। उत्तर प्रदेश की युवा इन्हें भाभी के नाम से पुकारते हैं। वो पहला चुनाव हारी लेकिन उसके बाद दो बार संसदीय चुनाव जीतकर दिल्ली संसद भवन भी पहुंची। डिंपल यादव के बाद इस लिस्ट में आती हैं स्वाति सिंह। उन्होंने कभी राजनीति में आने के लिए नहीं सोचा था, लेकिन परिस्थितियों में इन्हें सियासी सीढ़ियां दिखाई जिन पर ये बखूबी चढ़ रही हैं। अभी योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं और बीजेपी को उनमें भविष्य दिखता है। महिला नेताओं की इस लिस्ट में तीसरा नाम है अनुप्रिया पटेल। वो फिलहाल मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं और अपनी तेज तर्रार छवि के कारण चर्चाओं में रहती हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मिर्जापुर सीट से चुनाव जीत कर आई हैं। अनुप्रिया पटेल के बारे में बड़ी बात यह है कि अनुप्रिया पटेल उस पार्टी को उस मुकाम तक लेकर गई जिस पार्टी के संस्थापक को भी कभी जीत नसीब नहीं हुई। आज अनुप्रिया पटेल का चेहरा उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में कांग्रेस से ज़्यादा दिखाई देता है। अगर चौथे नाम पर जाएं तो हमें दिखती हैं अदिति सिंह। अदिति सिंह रायबरेली से विधायक हैं और अमेरिका से पढ़कर आई हैं। राजनीति में आने से पहले वो समाज सेवा कर रही थी। अदिति सिंह दबंग छवि के नेता और रायबरेली से 5 बार विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी है, तो सियासत इन्हें भी विरासत में ही मिली है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ से बढ़ती इनकी करीबियां, बीजेपी से बढ़ता प्रेम बताता है कि कांग्रेस छोड़कर इनका भविष्य बीजेपी में बेहतर हो सकता है और प्रदेश में आने वाले वक्त में ये बड़ा नाम कर सकती हैं। इन नेताओं के अलावा एक महिला नेता और है जो इस वक्त राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा है, नाम है अपर्णा यादव। अपर्णा इंग्लैंड से पढ़कर आई और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। कई बार वो सीएम योगी की खुलकर तारीफ करती है और एक बार गाय को खाना खिलाते वक्त योगी के साथ अपर्णा यादव देखी तो कई तरीके की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। उधर चाचा शिवपाल से भी उनकी करीबियां हैं। हालांकि उन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था लेकिन वो चुनाव वो जीत नहीं पाई थी। इधर हाल ही में योगी सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसका मतलब है कि बीजेपी इनमें कुछ उम्मीद देख रही है। इन सभी महिला नेताओं में उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने की काबिलियत दिखती है और लगता है कि ये पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जगह खुद को स्थापित करने की ठान चुकी हैं। लेकिन इन नेताओं में मायावती कौन है, मेनका गांधी कौन है, ये तय करना भी मुश्किल है क्योंकि सियासी पारी की शुरुआत इन नेताओं की अभी ठीक से हो नहीं पाई है। लेकिन महिलाओं में अगर आप राजनीतिक भविष्य तलाशें तो यही कुछ चंद चेहरे हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चमकते हुए और डूबते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।